मरगंटाप में एम्बुलेंस ड्राइवर कुलवंत सिंह की मौत हो गई। पूरा का पूरा किश्तवाड़ शोक के आलम में है। पिछले 4 दिन से उनकी डेड बॉडी इंशन गांव में है, अभी तक उसे किश्तवाड़ नहीं लाया गया है। इस बारे में उनके फैमिली मेंबर्स का कहना है कि उनको अभी तक क्यों नहीं किश्तवाड़ लाया गया है। इस बारे में जब उन्होंने जिला इंतजामिया से बात की और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ बात की, उनका कहना है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है, कभी हेलीकॉप्टर्स का बहाना करके, कभी मौसम का बहाना करके, जबकि आज दिन के मौसम की बात की जाए बिल्कुल साफ था। अभी तक क्यों नहीं उन्हें किश्तवाड़ लाया गया, ये ज़िला इंतजामिया पर एक सवालिया निशान खड़ा है। ये वही ड्राइवर है जिन्हें कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स भी कहा जाता था। कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स होने के बाद अगर कोविड में उनका काम देखा जाए तो सराहना था। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं ड्राइवरों को फूल बरसा रहे थे, और आज जब उन इस बारे में उनकी फैमिली मेंबर से हमने बात की तो उनका कहना था कि अगर हमारे भाई को यहाँ से भेजा गया तो उसे फॉलो अप क्यों नहीं किया गया, उनको जल्द से जल्द किश्तवाड़ लाया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी यहाँ की इंतजामिया होगी। कैमरा पर्सन माजिद काजी के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ कराओ। मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार हेलीकॉप्टरों के जरिए कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के फूल बरसाती थी, आज वही डेड बॉडी वहाँ 4 दिन से पड़ी है, उनके पास एक जांच का रेंज नहीं हो पा रहा है। ये बड़े दुखद की बात है। और इसके साथ ही मैं तो ये कहना चाहूँगा, वो मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हमारे पूरे परिवार में महत्व बसा हुआ है, पूरे रिश्तेदारों में, पूरे मोहल्ले वालों में। हम तो ये कहेंगे कि 4 दिन से हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। कभी कह रहे हैं कि हमने उसको रेस्क्यू किया, वो जिंदा है, होटल में है। कभी हमसे कहा गया कि वो जी अभी रेस्क्यू नहीं हुआ। कभी हमसे कहा गया कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है, हम सुबह 10 बजे तक आपको जहाज़ में यहाँ पहुँचा के देंगे। और कभी हमसे ये भी कहा जाता है कि उसको जाना ही नहीं चाहिए था, वो क्यों गया। अब अफसोस की बात तो यह है कि इतनी एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जारी होने के बावजूद उसको भेजा गया इतनी दूर, और वो भी अकेला भेजा गया यहाँ से मड़वा, और जबकि उनको पता था 22-23-24 तारीख में जो स्टेट एडवाइजरी जारी हुई है, रेड अलर्ट जारी हुआ है, उसको फॉलो अप नहीं किया गया। उसको बचाया जा सकता था, वो 2 दिन वहाँ तड़पता रहा। मैंने पहले भी कहा कि वो वहाँ पे बच सकता था, 2 दिन वो वहाँ था, पर उन्होंने पूरा फॉलो अप नहीं किया उसका, जिला इंतजामिया ने और यहाँ के हॉस्पिटल इंतजामिया ने, जो उनका मुलाजिम था, उनको उसको ढूंढना चाहिए था, उनको फॉलो अप करना चाहिए था, नहीं कर पाए। वो 23 तारीख शाम को 6 बजे तक जिंदा था, जो उसने लोगों से बातें की हैं, और 23 तारीख रात को उसकी डेथ हो गई है वहाँ बर्फ में। तो आज कल रात की डेट में 2 बजे डेड बॉडी मिली है, और उन्होंने उसको इंशन में रखा है। अभी तक वो डेड बॉडी यहाँ लाने का काम नहीं किया गया। हमें कहा गया था कि आज जहाज़ के जरिए हमारा जहाज़ रेडी है, हमारा पायलट रेडी है, हमारा सब कुछ ठीक है, सिर्फ वेदर की वजह से हम सुबह इसको नहीं ला पाए, आज लाएंगे। तो आज पूरा दिन आपने देखा वेदर बिल्कुल क्लियर था, लेकिन आज हमसे कहा गया कि हमें जहाज़ का अरेंज नहीं हुआ। हमने जी आर्मी को, मिनिस्ट्री डिफेंस, उसको किया हुआ है, रिक्वेस्ट डाली हुई है। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट चॉपर जो अपना है उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा है। एक एम्प्लॉय के साथ ये हालत है, तो मैं समझता हूँ बाकी लोग कितने सेफ हैं इस गवर्नमेंट में। आज आपने देखा कि कोविड के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के, इस आदमी ने इतना काम किया हेल्थ डिपार्टमेंट में इस कोविड के पीरियड में, आज उसी की डेड बॉडी पिछले 4 दिन से वहाँ पड़ी है, और एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं किसी तरीके से वो कल 10 बजे तक अगर वो हमको डेड बॉडी यहाँ तक नहीं पहुँचाते, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल इंतजामिया पे होगी। फिर हम उनके खिलाफ FIR काटेंगे। पहले उसको भेजा क्यों गया जबकि वहाँ एडवाइजरी जारी हुई थी, और हम प्रोटेस्ट करेंगे, सारे लोग, औरतें, मर्द, सारे हम नौजवान सड़कों पे उतरेंगे। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी, हम एक बार फिर उनको कहेंगे ये टाल मटोल वाला काम छोड़ दीजिए, जो आपने स्टेट का चापर रखा उसको भेजिए, कुछ भी करिए। अगर आपसे नहीं बन पाता है आप हमको कहिए, हम खुद जाएंगे, हम बर्फ में जाके हम उनको पैसा देंगे, जितना पैसा इनको चाहिए, जहाज का किराया हम देंगे इनको, सब हमको अवेलेबिलिटी उसकी दें, उसका चार्जेस जो है पूरी परिवार, पूरी फैमिली हम खुद देंगे, वो हमको किसी तरीके से डेड बॉडी यहाँ के ला के दें।